खबर रायपुर विधानसभा से है, जहां आज रायपुर वासियों को कई योजनाओं की सौगात मिली है। आपको बता दें कि विधायक उमेश शर्मा काव विधानसभा क्षेत्र रायपुर के द्वारा वार्ड 59 और 60 में कई योजनाओं का आज शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर पार्षद अभिषेक पंत और संजीत बंसल भी मौजूद रहे। आज रायपुर विधानसभा के वार्ड 59 और वार्ड 60 के PWD द्वारा, विधायक निधि द्वारा, पेयजल निगम द्वारा तमाम लोक हित की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम माननीय विधायक जी द्वारा यहां पर हुआ है। लगभग 10 करोड़ से अधिक बजट के पेयजल के कार्य वार्ड 60 के लिए स्वीकृत हुए हैं, जिनका शिलान्यास हुआ है, जिससे कि पेयजल की सारी समस्या का निदान हो जाएगा। माननीय विधायक जी द्वारा इस वार्ड के लिए तमाम सड़कों के, पुल के, पुस्तों के, सुरक्षा दीवारों के कार्य भी आज स्वीकृत हुए हैं। इसके लिए हम प्रदेश सरकार का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आज यहाँ पर ये सभी समस्त जनता वार्ड 59 और 60 की यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल रही है, उनका भी बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। इस दौरान उमेश शर्मा काव ने कहा कि जिन योजनाओं का आज शिलान्यास किया है, उनकी सौगात मार्च तक रायपुर वासियों को मिल जाएगी। ये जो रायपुर को 4 साल के गतिरोधों को दूर करके जो 4 महीने में सफलता मिली है कामों में, तो आप देख रहे होंगे चारों तरफ बोर्डों का जो अभी हमने लोकार्पण किया है, ये हम रायपुर की जनता और ये वो काम है जो आने वाले 50 साल भी इस क्षेत्र को पानी की समस्या कभी नहीं होने देंगे। इसके अलावा सारे पूरे क्षेत्र में जो भी सड़क कच्ची कभी नज़र नहीं आएगी, सारी सड़कें, सारे पानी का काम और बिजली की भी सही व्यवस्था करने का काम हमारी सरकार कर रही है। वहीं इस दौरान रायपुर वासियों में खुशी नजर आई और उन्होंने भी विधायक का धन्यवाद किया है। उत्तराखंड की हर खबर सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर।